हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 1983 पीटीआई टीचरों को बर्खास्त कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक अपनी बहाली की मांग को लेकर वो रोष प्रदर्शन करते आ रहे हैं। नौकरी से बर्खास्त किए जाने के बाद से ही हरियाणा में पीटीआई टीचर लगातार सड़कों पर हैं और अपनी नौकरी बहाली की मांग कर रहे थे। बर्खास्त पीटीआई टीचर प्रदेश के सभी सांसदों के आवास का घेराव कर रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी में पीटीआई टीचरों ने भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह के आवास का घेराव किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के सभी विधायकों के आवास का भी जल्द घेराव करेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के पीटीआई हैं और सभी संगठन हैं जो हमारे विभाग के हैं, उन्होंने एक फैसला लिया था, आग भाई आप ठीक सो, हम आपकी मदद करेंगे। गलत आदमी की तो कोई मदद करता नहीं। हमारे पास 7 खाप पंचायतें, सभी संगठन ने, सभी पंचायतों ने एक ही आश्वासन दिया है, आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए, आप अपने अधिकार के लिए सही लड़ रहे हैं, आप हम आपको मदद करेंगे और वापिस उसी स्कूल में उसी दिन से ज्वाइनिंग करवाएंगे। इस सरकार को बता देंगे आग कर्मचारी के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता है। वहीं सिरसा में लघु सचिवालय में पीटीआई टीचरों का लगातार धरना जारी है। प्रदर्शन कर रहे टीचरों ने सिरसा में लघु सचिवालय से बरनाला रोड तक रोष मार्च निकाला और प्रदर्शन करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल के आवास का घेराव किया। आज माननीय सांसद दुग्गल जी के निवास पे आए हैं, आज हमारे दूसरा चक्कर, इनको रिज्वाइनिंग करवाए, इनके रिलीविंग का लेटर वापिस ले और जिस तारीख से इनको रिलीव किया उसी डेट से इनको बहाल करें। पंचकुला में समस्त कर्मचारी तालमेल कमेटी के बैनर तले पीटीआई अध्यापकों ने थाली बजाते हुए रोष प्रदर्शन किया। सारे के सारे इकट्ठा होकर 1983 पीटीआई की भर्ती को बहाल करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया है, अगर 40 विधायकों के साथ सरकार बन सकती है तो हम तो 10 साल से सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो हमारे में ऐसी क्या कमी पाई गई जो 10 साल की नौकरी करने के बाद हमें नौकरी से निकाल दिया गया। तो वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने इन पीटीआई टीचरों के मांग पत्र को मुख्यमंत्री के पास भेजने की बात की। के हिसाब से पीटीआई है, हम इनकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे। ये भी बेचारे गरीब हैं, कोई कानून की अवहेलना ना हो और इनकी बात पूरी हो जाए। बर्खास्त पीटीआई टीचरों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी बहाली करे, नहीं तो आने वाले दिनों में संघर्ष और भी तेज होगा।